आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा तीसरी विषय हिंदी, कागज की नाव। सर्वप्रथम हम इस कविता का गान करेंगे। इठलाती बलखाती देखो जलधार चली, कागज की नाव चली पानी के पाम चली, लहर लहर दौड़ रही शहर शहर चली गांव चली, छोड़ छोड़ नदियों को सागर के पास चली। ये जो कागज की नाव है अपने आप पर गर्व कर रही है और शहर गांव छोड़कर दौड़ लगाती हुई वह सागर को मिलने जा रही है। फूल भरी नैया है बहती पुरैया है, बच्चे सब बोल रहे हैया है हैया है, भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। जब फूल भरी नैया पूरब की तरफ क्या करे बह रही है और सब बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैया है हैया है, और जो नाव है तट छोड़कर नदी के बीचों बीच आ गई है। नाव नए देश चली लेकर संदेश चली, थिरक थिरक नाच नाच परियों के देश चली, सबकी तो डूब गई मेरी उस पार चली। ये जो कागज की नाव है, नाव क्या करे संदेश लेकर गांव जा रही है, थिरक थिरक के नाच नाच के परियों के देश जा रही है, संदेश लेकर वो परियों के देश जा रही है, और सबकी तो नाव पानी में डूब गई है लेकिन मेरी कागज की नाव उस पार चली गई है। इठलाती बलखाती देखो जलधार चली, कागज की नाव चली कागज की नाव चली। देखो हम पहले समझ में आई कविता, इस कविता में के जो कठिन शब्द है आज हम देखेंगे। इठलाती मतलब गर्व करना, जलधार जल की तारा, पुरैया पुर की हवा, और मझधार इसका मतलब है नदी के धारा, है ना। आ गई कविता बच्चों समझ में, धन्यवाद।